पुलिस की भी परीक्षा होने वाली है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रही है एमपी जीके से। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाएं एवं मंदिरों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक परीक्षा में एक से दो प्रश्न मध्य प्रदेश के गुफाओं या मंदिरों के बारे में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लुहानी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन सी डी धार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, धार जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पर्वतीय गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी अनूपपुर और ऑप्शन डी सिंधी। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये है अपना रायसेन जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पांडव गुफा स्थित है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी पंचमढ़ी और ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो ये पांडव गुफा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है अपना पंचमढ़ी में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तेश्वर गुफा स्थित है? ऑप्शन ए मैहर, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तेश्वर गुफा स्थित है? तो ये है अपना छिंदवाड़ा में स्थित, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में खंडगिरी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी ओंकारेश्वर। तो किस जिले में खंडगिरी गुफा स्थित है? तो ए है अपना विदिशा जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में उदयगिरी की गुफा स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विदिशा जिले में ही स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में सांची का सपूत किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी रायसेन और ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांची का जो सतूप कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपना रायसेन जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकराचार्य की गुफा स्थित है? तो ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी नीमच और ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो किस जिले में जो है शंकराचार्य की गुफा स्थित है? तो ए अपना रायसेन जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओमकारेश्वर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन सी रायसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना छतरपुर जिले में स्थित है और विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी रायसेन। तो जो भीमबेटका की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ये रायसेन जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, यही रहा अपना टॉप 10 क्वेश्चन। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।